नमस्कार, आज बात करेंगे चंद्र ग्रहण के बारे में। जी हाँ, आपने देखा होगा साल का पहला सूर्य ग्रहण जो है वो लग चुका है, लेकिन अब साल का पहला चंद्र ग्रहण यहाँ पर लगने जा रहा है। क्या शुभ और अशुभ परिणाम होंगे हम आपको बता देते हैं। ज्योतिष विद्या के अनुसार साल का पहला चंद्र ग्रहण 5 मई को लगने वाला है। ये ग्रहण तुला राशि और स्वाति नक्षत्र में लगेगा। ये एक चंद्र ग्रहण होगा जो भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए भारत में इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। आपको बता दें कि सूर्य ग्रहण के बाद अब वैशाख मास की पूर्णिमा पर साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने वाला है। ये चंद्र ग्रहण 5 मई के दिन शुक्रवार को लगेगा। आपको बता दें कि ये चंद्र ग्रहण जो है वो भारत में दिखाई नहीं देगा। 5 मई को लगने वाला चंद्र ग्रहण वास्तव में एक चंद्र ग्रहण है। हर चंद्र ग्रहण शुरू होने से पहले चंद्रमा धरती की उपेक्षा में प्रवेश करता है, जिससे आपको बता दें कि चंद्र मालियन कहा जाता है। आपको बता दें कि 5 मई को लगने वाला चंद्र ग्रहण भारतीय समय अनुसार रात 8:44 से लगेगा और रात करीब 1:02 तक ये चंद्र ग्रहण रहेगा। इसकी पूरी अवधि 4 घंटे 15 मिनट की रहने जा रही है। अब आपको ये बता देते हैं कि सूतक काल भारत में मान्य नहीं होगा, क्योंकि जो स्थिति है वो भारत में नहीं बन रही है, यानी कि भारत में ग्रहण नहीं लग रहा है, लेकिन सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। साल का पहला चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। ये चंद्र ग्रहण यूरोप, मध्य एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, हिंद महासागर और अंटार्कटिका जैसी जगहों पर देखने को मिल सकता है। ग्रहण काल में कुछ घंटों पहले सूतक काल लग जाता है। हिंदू धर्म में सूतक काल का विशेष महत्व दिया गया है। सूतक काल में पूजा पाठ और शुभ व मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं। चूंकि 5 मई को लगने वाला चंद्र ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। 20 अप्रैल को सूर्य ग्रहण मेष राशि में लगा था और सूर्य की सप्तम दृष्टि तुला राशि पर पड़ रही थी। अब चंद्र ग्रहण तुला राशि में लगने जा रहा है और चंद्रमा केतु की युति भी बन रही है। ऐसे में चंद्रमा की पहली दृष्टि मेष राशि पर होगी, इसलिए मेष और तुला राशि के जातकों को इस चंद्र ग्रहण में विशेष सावधानी बरतनी होगी। साथ ही जिन लोगों का जन्म स्वाति नक्षत्र में हुआ है उन्हें भी सतर्क रहने की सलाह यहाँ पर दी जाती है। क्योंकि देखिए, जब भी कोई ग्रहण पड़ता है तो कुछ ना कुछ उसका बुरा प्रभाव भी होता है और कुछ ना कुछ उसका अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। ऐसे में आपको बता दें कि 5 मई को लगने वाले जो चंद्र ग्रहण है उसकी पूरी अवधि कुल 4 घंटे 15 मिनट की यहाँ पर देखने को मिल रही है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी।